हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जूम ऐप किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से हम जूम में मीटिंग ले सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टीचर हैं या मीटिंग लेना चाहते हैं जूम ऐप पे। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ये मैंने देखिए प्ले स्टोर ओपन किया और यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है जूम। आप आइकन देख लीजिए, ये आपको क्लाउड मीटिंग है, जो जूम क्लाउड मीटिंग, इसको इंस्टॉल करना है सबसे पहले। ठीक है, तो आपका जैसे ही ये क्या होगा, इंस्टॉल होगा। अब हम वेट कर रहे हैं इसको इंस्टॉल होने का। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा हम बताते हैं आगे आपको करना क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैंने एक वीडियो और बनाई है जूम में मीटिंग लेते कैसे हैं, तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। तो अगर आपको मीटिंग अटेंड करना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको मीटिंग लेना है तो उसके लिए आपकी ये वीडियो है, इसमें आप देख लीजिए। इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाती हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो देख रहे हैं हम, जब तक ये जूम क्लाउड मीटिंग जो है वो इंस्टॉल हो रहा है हमारा, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये थोड़ा सा नेट का दिक्कत आ रही है ना, लेकिन हो रहा है हमारा इंस्टॉल। ठीक है, देखिए जैसे जूम में इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं देखते हैं, जूम एप्लीकेशन अभी तो नहीं आया है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा वो हमारी स्क्रीन पे दिखने लगेगा, इधर ही पे आ जाएगा कहीं पर। ये देखिए इंस्टॉल हो गया और आ गया। अब क्या करना है, हमें जूम एप्लीकेशन ओपन करना है। याद रखिए, अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो आपको साइन इन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको होस्ट बनना है यानी कि मीटिंग लेना है तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपना साइन अप करें। उसके लिए आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल में लॉगिन हो, तो ज्यादा अच्छा है। करना क्या है, आपको साइन अप करना है। यहाँ पे जाएंगे और साइन अप करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, मंथ डेट मांग रहा है तो हमें अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे April 25, 1994 सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम मांग रहा है, मान लीजिए ईमेल आईडी मांग रहा है तो मैंने डाल दी ईमेल आईडी डाल दी, मेरा फर्स्ट नेम जो भी है ना, तो ये जैसे मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया और मैंने यहाँ पे साइन अप किया। देखिए, वी सेंड एन ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। अब आपके अकाउंट में एक ईमेल आईडी आई होगी जो कि आपको देखनी है, से ईमेल ओपन करना है और आपको यहाँ पे जूम की तरफ से एक ईमेल आईडी रिसीव हुई होगी। ये देखो, देखिए जूम का ये आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो ईमेल आया होगा कुछ और होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू रिसेंटली विजिटेड आर साइन अप पेज यूजिंग एन ईमेल विच हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। क्योंकि मेरी आईडी जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मेरे पास ऐसा मेल आया। लेकिन आप अगर नए हैं तो आपके पास जो मेल आएगा उसमें आपका वेरिफिकेशन कोड होगा, आपको उस वेरीफाई प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। मुझे क्या करना है, देखिए मैंने जबकि ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे साइन इन करना है। साइन अप का प्रोसीजर आपको बता ही दिया मैंने कैसे करना है। जैसे ही साइन अप कर लेंगे आप तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है, देखिए इस तरीके से, और साइन इन कर देना है। जैसे आप साइन इन करेंगे आपका जो जूम एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा, ऐसे ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद भी आप डायरेक्ट ज्वाइन मीटिंग कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन भी कर लीजिए, लेकिन फिलहाल ज्वाइन के लिए हमें नहीं, हमें मीटिंग लेना है। तो आपको ये सेकंड ऑप्शन में है ना मीटिंग। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर सबसे पहले अपनी मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजना है तो आप यहाँ पे एडिट में क्लिक करके और पासवर्ड जो है वो क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहे आप पासवर्ड रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको सेंड इनविटेशन में क्या करना है, जाना है, कॉपी करना है और व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू या फेसबुक में जिसको भी आपको आईडी दे रहा है वहां जाके पेस्ट कर दीजिए। तो जिस पर्सन को आप चाहते हैं आपकी मीटिंग अटेंड करे उस तक आपका मीटिंग आईडी और पासवर्ड पहुंच जाएगा। और जैसे उसके पास मीटिंग आईडी और पासवर्ड पहुंच गया और आपने टाइम स्लॉट बुक कर दिया कि आपको इस टाइम मीटिंग लेनी है, उस टाइम के आने के बाद आपको क्या करना है, इस पेज में आना है। आपको कुछ नहीं करना है, मीटिंग आईडी पासवर्ड चला गया सबके पास, आपको बस स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपका मीटिंग रूम प्रिपेयर हो जाएगा और इस तरीके से आपका पेज जो है थोड़ा देर में ओपन हो जाएगा। अभी ये मीटिंग रूम हमारा प्रिपेयर हो रहा है,
ठीक है, ये देखिए आपका मीटिंग रूम प्रिपेयर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें अलाउ कर दीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए ऐसा कुछ आपका फेस दिखने लगेगा। अगर आप चाहते हैं इसको क्या कर दीजिए, स्टॉप वीडियो कर दीजिए, स्टॉप ऑडियो कर दीजिए, तो आपकी आवाज और वीडियो सामने वाले तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ही आप अपनी आवाज या वीडियो चाहते हैं सामने वाले तक भेजना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी सारी चीजों को ऑन कर सकते हैं। आप करना क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट में जाएंगे, जो भी आपकी मीटिंग ज्वाइन करेगा उन सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप करना क्या है, सबको एडमिट कर लेना है। सबको एडमिट करने के बाद आप चाहें तो अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप वीडियो के थ्रू तो कर ही सकते हैं, साथ में अगर आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करना है तो देखिए इस तरीके से आप अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, आपको कुछ लिखना है, कलर चेंज करना है, ठीक है ना, आपको हाइपर लिंक के थ्रू शो करना है, आपको स्केचेस अपनी पतली मोटी करना है, ठीक है ना, इरेज करना है, ये सारे ऑप्शन जो है वो हो जाएंगे यहाँ पे। न्यू पेज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और न्यू व्हाइट बोर्ड में क्लिक करिए, न्यू व्हाइट बोर्ड भी जो है वो आ जाएगा आपके पास। स्टॉप करना है, स्टॉप कर दीजिए। शेयर करना, आपको कोई इमेज शेयर करना है, इमेज शेयर कर सकते हैं आप। डायरेक्ट जाइए यहाँ फाइल फोटो में जाइए और यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इमेज शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको करके ही बता देता हूँ। मान लीजिए कि मान लीजिए मुझे ये लीजिए, ठीक है, ये इमेज चाहिए, इमेज आ गया। अगर आप इस इमेज में कुछ बताना चाहते हैं स्पॉटलाइट करके तो ऐसा कुछ बता सकते हैं। पेन का यूज करना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए कर सकते हैं। हाइलाइटर यूज करना चाहें तो इस तरीके से देखिए हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। कलर आपके पास ऑप्शन है, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इरेज करना चाहें इरेज कर सकते हैं। सारी चीजें, ये सारे ऑप्शन होंगे और जैसे ही हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करिए और स्टॉप शेयर क्लिक कर दीजिए, सारी चीजें आपकी शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इससे भी और सरल तरीके से डायरेक्ट आपको बता दूंगा, आई होप। लेकिन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। थैंक यू सो मच।